उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग बनाने की खास वजह ये है कि आज हमारे घर में मेरी खाला आ रही है, तो आज हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं उनके लिए। और दूसरी वजह ये है कि आज मेरी आपी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आज वो अस्पताल से आई थी तो उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। देख सकते हैं सारा सामान। तो मैं यहाँ शाम की कढ़ाई जो है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी कि हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। और आज आप ही ने माजरत करी आप सबसे कि आज आपके लिए वो वीडियो नहीं बस बना सकेंगे, तो आज मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को हमारे साथ देखते रहें, बने रहें और देखते रहें। सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे। ये तकरीबन एक पाव के करीब तेल है। हमारी मम्मी को गंजा हमने करा दिया था क्योंकि गर्मी हो रही थी तो सर में दाने हो रहे थे। ये देख सकते हैं आप गंजी हुई है मेरी मम्मी। ये देख आप ही की बहुत लाडली है ये ना। तो देख सकते हैं आप तेल गर्म हो रहा है हमारा, तकरीबन हो गया है, बस थोड़ा सा और गर्म हो जाए फिर हम इसके चिकन ले लिया है। तकरीबन ये 2 किलो के करीब चिकन है हमारी, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसमें चिकन डालेंगे सारी अपना। अच्छा मैं हम लोग कलेजी खाते हैं तो हमने कलेजी भी रखी है इसके साथ में, ये देख सकते हैं आप। लिवर इसको अच्छे से धो लिया था हमने ना, तो बस आज खाला आ रही है, बस आई होप कि उन्हें जो ना हमारी पसंद आ जाए। ओके अब हम इसमें मसाला डालेंगे अपना। इसको 15 मिनट के लिए हमें, ये मैंने दो साशे लिए हैं क्योंकि मेरी चिकन जो है 2 किलो के करीब है, तो मैं 2 साशे इसमें शामिल करूँगी। देखें तो देख सकते हैं। साथ ही इसमें मैं दही डालूंगी फेंट कर अपना। ये मलाई वाला बोला था ना? जी मलाई वाला दही है ये। आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है ना कढ़ाई गोश्त मसाला जो है आप लोगों को पसंद है या नहीं। अच्छे से फेंट लेंगे मैं। देखें दही शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब दही है। ये देखें देख तकरीबन 1.5 पाव के करीब दही है ये ना। देखें आप इसको अच्छे से। अब हम इसमें चिकन में लगा देंगे अच्छे से। ये देखें ये देखें अच्छे से आपने बोटियों के ऊपर लगाना है। अच्छा मैंने आपको एक बात बताना भूल गई कि मैंने ना पहले चिकन पे कट्स भी लगाए हैं। ठीक है हम लोग कलेजी खा लेते हैं। इसको अच्छे से मैरिनेट करके आपके पास मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको रख दूंगी। तब तक मैं बाकी का मसाला तैयार करूंगी। फिर उसके बाद जो है वैसे तो इसको फ्रिज में रखते हैं लेकिन हमारे घर पे फ्रिज नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे। पहले इस तरीके हैं तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे। तो मैं अपने भाई से पूछती हूँ अगर हमारे सामने वाली मौजूद होंगी। मैं रिसीव करोगे मेरा? तो हमारी बारी है सामने वाली, हम उनके घर रखवा देंगे आधे घंटे के लिए। डीप फ्रीजर के अंदर आप 15 मिनट रखेंगे और अगर नीचे वाले फ्रिज में रखेंगे आप जिसमें कूलिंग कम होती है जिससे ठंडा हो गया तो वहाँ आप आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए इसको मैरिनेट करके हमने रख दिया, भाई को हम दे देते हैं। ये लो जी भैया
ये देखो अच्छे से हमारी चिकन हो गई। चलो भाई यहाँ लाओ यहाँ लाओ यहाँ लाओ भाई आप ये देकर आ जाओ ठीक है। अब हम जो है इसको अब हम जो है बाकी का मसाला तैयार कर लेते हैं अपना। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पाव तेल जो हमने अच्छी तरह फुली गरम करके रखा हुआ था। ये देखें हाथ लग रही है, तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें हो जाए टेंडर हो जाए। ये देखें हो रही है,
20 मिनट के बाद मैंने इसको चेक करा है, 20 मिनट तक हम इसको देखेंगे। अभी इसको हम मजे तक मिलेंगे, अभी सिर्फ चम्मच चलाया ताकि खुशबू तो जी बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी हम इसको चेक कर लेंगे, चलिए चेक करती हूँ। मिलते हैं आपसे तकरीबन 15 मिनट के बाद। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी कढ़ाई देख सकते हैं, खाला जान के लिए पक रहा है। यहाँ बैठ जाओ मुन्नो, आप सबको मिलेगा खाना पीछे होइए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है हमारी कढ़ाई का, आप महसूस कर सकती है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची डाल के अच्छे से भूनेंगे। कट लगा के रखते हुए इस तरीके से आप कट लगाएंगे, इस तरीके से डालेंगे। चलिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई पक के तैयार हो चुकी है, बस भुनाई करके इसको हम सर्व कर। मैं नमक चख लें भाई जान, आप ये लें, मैं आपको थोड़ा सा चखा देती हूँ। ओहो तेल आ गया, ये नहीं ये भाईजन कैसा लगा आपको? बढ़िया जी भाई, चिकन बन चुकी है, रेडी है। नहीं रोटी तो नहीं, अभी अभी बनाएंगे, आटा नहीं है, आटा खत्म हो चुका है। ये देखिए भाईजन चिकन टेस्ट कीजिए आप, ये लें ये लें, बिस्मिल्लाह करके खाइए जरा। चिकन गल गई है, पूरी टेंडर हो चुकी है। जायका कैसा है? नमक नमक मिर्च कुछ भी तेज नहीं, बेस्ट। फ्राई बहुत बेहतरीन बनाया हमारा, ये आप देख सकते हैं। तो बस अभी हमारी तैयार हो गई, टाटा करें दोनों। तो चलिए जी हमारी कढ़ाई पक के तैयार हो गई है, बस अभी हम आज का व्लॉग बस यहीं तक था। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, और सब आप बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाबा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ऐसी वीडियो शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके, और उनके साथ हमारा भी अल्लाह का भला करें।